पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा, परदादा से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति विरासत या पैतृक संपत्ति कहलाती है। बच्चा जन्म के साथ ही पिता की इस विरासत पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संपत्ति दो तरह की होती है, एक वो जो खुद से अर्जित की गई हो और दूसरी जो विरासत में मिली हो, यानी आपके पूर्वज दादा परदादा से आपको मिली हो। अपनी कमाई से खड़ी की गई संपत्ति स्वयं अर्जित कहलाती है, जबकि विरासत में मिली प्रॉपर्टी विरासत पैतृक संपत्ति कहलाती है। पहला, किसी कारणवश आपका भाई, आपके चाचा विरासत में मिली संपत्ति को आपको देना नहीं चाहते हैं, तो भी कानूनी तौर पर आपका यह अधिकार है, आप उसको कानूनी तौर से ले सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी के रहते दूसरी विवाह करना यह कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता है, यह शून्य माना जाता है। लेकिन पति दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका अगर बच्चा होता है, लड़का होता है या लड़की, तो वह भी संपत्ति में हकदार होगा। जो पहली पत्नी के बच्चे हैं उतना ही हक उसको भी मिलेगा। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रॉपर्टी को एक मामले में ऐसा फैसला सुनाया है जहां कहा है कि पिता की पूरी संपत्ति बेटे को नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी माँ जिंदा है और पिता की संपत्ति में बहन का भी अधिकार है। दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ। कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को मिला था और आधा हिस्सा उनके बच्चों को, यानी एक लड़का और एक लड़की को मिला था। लेकिन जब बेटी ने संपत्ति को मांगा तो ऐसी परिस्थिति में बेटे ने मना कर दिया संपत्ति देने से। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मां ने भी बेटी का समर्थन किया। इस पर बेटे ने विरोध किया और कहा कि पूरी प्रॉपर्टी उसे मिलनी चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, क्योंकि अभी मृतक की पत्नी मृतक की बेटी का भी संपत्ति में साथ ही कोर्ट ने बेटे पर 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि इस केस की वजह से मां को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव उठाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बेटे का दावा ही गलत था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा होना आश्चर्यजनक की बात नहीं है। आमतौर पर हमारे समाज में बेटे को ही उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन साल 2005 के कानून के संशोधन के बाद बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए, यह कहा गया। साल 2005 से पहले की स्थिति अलग थी और हिंदू परिवार में बेटा ही घर का मुखिया, कर्ता धर्ता कहा जाता था और पैतृक संपत्ति के मामले में बेटी को कुछ भी दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों को पिता की संपत्ति में बराबर बराबर का हिस्सा है। यानी आपको पूर्वज से मिला हो या उनकी कमाई हुई हो, जिस तरह की संपत्ति हो उसमें बराबर बराबर का हिस्सा बेटा और बेटी को मिलेगा। और कानूनी तौर पर आपके जो चाचा हैं, आपके भाई हैं, आपको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं, तब भी आप कानूनी तौर पर ले सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।